इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बैंक निफ्टी के 0-0 ट्रेड की बात कर लेते हैं क्योंकि कल है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो कल के लिए 0-0 ट्रेड के लिए, ये एक सेकेंड, 0-0 ट्रेड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा कल के लिए निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 48,370। कॉल बाइंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉल बाइंग के लिए 48,370 या फिर 48,565, 48,370 या फिर 48,565। यदि कल मार्केट ने, यदि कल बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में यहां कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे 48,370 48,370 के लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे 0-0। या फिर यदि मार्केट हमें फर्स्ट हाफ में यहां तक आ जाता है, उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, आराम से 1 1.5 घंटे का कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद 48,565 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, 48,565 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो भी हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का 0-0 ट्रेड ले सकते हैं। और देखो, एक चीज मैं बता दूं, यदि मार्केट ने 48,370 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो हमारे पास 200 पॉइंट का वन वे टारगेट रहने वाला है। मार्केट सीधे ही हमें 200 पॉइंट का टारगेट देगा। और यदि मार्केट ने हमें 48,565 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट हमें सीधे ही यहाँ पे 300 पॉइंट के टारगेट देने वाला है अपर साइड में। तो यदि मार्केट ने इनमें से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट दिया इनमें, इन दोनों में से किसी भी लेवल का सेकेंड हाफ में, तो कल आपका पैसा 1:5 तो आराम से ही होने वाला है। 2 बजे के बाद यदि ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा पुट बाइंग में भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है क्या? बिल्कुल, हमारे पास एक पुट बाइंग में भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। पुट बाइंग का यदि आपको 0-0 ट्रेड लेना है तो मार्केट को ये जो रेंज बनाई है ना, मार्केट को ने इस रेंज में कंसोलिडेशन करने दो और 2, 2.5 और 2:30 बजे के बाद यदि मार्केट हमारा 47,870 47,870 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो जैसे मार्केट में ये एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, इतनी बड़ी 300 पॉइंट की ग्रीन कैंडल, ऐसे ही आपको 200 से 250 पॉइंट के एक रेड कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगी। यदि मार्केट कंसोलिडेशन करता है फर्स्ट हाफ में और ब्रेकडाउन देता है सेकंड हाफ में 47,870 का, 47,870 का। ये तो हो गया हमारे 0-0 लेवल्स के टारगेट और लेवल्स की, हमें कब ट्रेड लेना है और किस कंडीशन में हम किस कंडीशन में हमारा कौन सा लेवल रहने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट हाफ के लेवल्स की। तो देखो, हमारा कॉल बैंक के लिए जो हमारा फर्स्ट हाफ के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 48,230 48,230। जैसे ही कल मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद या फिर इस रेंज में ओपन होने के बाद 48,230 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,370 48,370, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,565 48,565 और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 48,870 48,870। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। और देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत प्यारे स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि हम वीडियो के लास्ट में उसकी बात करेंगे। उस स्टॉक में पोटेंशियल है आपको 100% रिटर्न देने का। 1:10 का हमारे पास यहाँ पे वो ट्रेड बन रहा है, 10% का हमारा रिस्क रहेगा और हमारा 100% का वहां पे टारगेट रहने वाला है, लेकिन उस स्टॉक की हम बात वीडियो के एंड में करेंगे। और देखो, अभी हमारे पे पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, यदि कल मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 47,870 यदि हमारा मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 47,870 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,750 47,750, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,620 47,620 और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 47,470 47,470। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो देखो, निफ्टी में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कॉल बैंक के लिए, वो निकल के आ रहा है 22,275 22,275। जैसे ही कल मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 22,275 22,275 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,360 22,360, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,420 22,420 और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,400
पिक्चर में 22,495। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम पुट बाइंग की यदि हम बात करेंगे तो पुट बाइंग में भी हमारी सेम कंडीशन है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना है या फिर मार्केट को इस रेंज में ओपन हो रहा होना है, और रेंज में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 22,155 22,155 के लेवल का ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,085 22,085, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,010 22,010, तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,000 21,940 21,940, और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,870 21,870। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 22,155 22,155 के लेवल का ब्रेक डाउन देता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की। देखो फिन निफ्टी ने प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट इस कंसोलिडेशन के अपर साइड का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,320। जैसे ही कल मार्केट 21,320 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,370 21,370, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,430 21,430, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,495 21,495। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि हम यहाँ पे पुट बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो वो इस जो कंसोलिडेशन जोन मार्केट ने बनाया है, इस कंसोलिडेशन का बॉटम सपोर्ट जो जो हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है उसके ब्रेक डाउन पे हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, और वो लेवल हमारे निकल के आ रहा है 21,185 21,185। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,130 21,130 21,130, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,045 21,045, और तीसरा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 21,970 20,970। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको स्टॉक बताता जिसकी मैंने बात की थी, जिसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला स्टॉक है ये, इसके हम चलते वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि आप देखोगे, आप इसको और छोटा करोगे चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप मार्केट अभी लो पे चल रहा है, जहाँ ये जो बंदर बैंक अपने अभी लो पे चल रहा है, ये हमारा कोविड का लो है। कोविड के लो पे फिर से मार्केट आया, जंप किया मार्केट ने, मार्केट फिर से आया, हल्का सा जंप किया, मार्केट फिर से आया, तो मार्केट यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और जो है हमारा कोविड का सपोर्ट। तो कोविड के सपोर्ट के बाद जैसे ही मार्केट इतना बड़ा जंप लिया था ना, तो सेम जंप अभी हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई देने वाला है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर लिया है ट्राइंगल पैटर्न पे, और जैसे ही मार्केट इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देगा हमें यहाँ पे सीधे ही 350 का लेवल मिलने वाला है, मिनिमम 350, और दूसरा टारगेट हमारे यहाँ पे रहेगा 435। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे ये ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन हमें इस जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट नहीं करना है। यदि आप चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखोगे, एक सेकेंड, चार्ट को यदि आप थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो मार्केट ने, एक सेकेंड, मार्केट ने यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल दिया, लास्ट की वीकली कैंडल हमारी हैमर थी, तो और मार्केट इस हैमर कैंडल का हाई भी ब्रेक कर चुका है। तो आप इस यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, 10% नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 170 के अराउंड का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका पहला टारगेट टारगेट रहेगा 350 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 435 का। तो यहाँ पे हमारा 10% का तो स्टॉप लॉस रहने वाला है, और 100% का हमारे यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। और मैं भी बता दूं, मेरे मेरे पास बंदर बैंक की ऑलरेडी बहुत बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन है, तो यदि आपको यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के बनाना बनना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।